पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षित मतदान कराने के लिए सुरक्षाकर्मी किस तरह डटे हुए आप देख सकते हैं। कल कांकेर में एक पोलिंग पार्टी जाते समय माओवादियों का आईडी का ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक जवान और दो कर्मचारी जख्मी हो गए थे। आज भी पोलिंग पार्टी को और पोलिंग बूथ को सिक्योरिटी देने के लिए जो जवान गए थे उसमें एक जवान का पैर आईडी ब्लास्ट पर गिरा और उसमें आईडी ब्लास्ट के बाद कोबरा बटालियन का जवान घायल हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह आईडी को ढूंढने के लिए यहाँ पर ये जवान जो है पूरे सड़कों की तलाशी ले रहे हैं। इनके पास मेटल डिटेक्टर है और कई तरह की जो हथियार है उसके द्वारा यहाँ पर कड़क सुरक्षा व्यवस्था में जवान सड़क के चारों ओर फैले हुए हैं और यहाँ पर पूरी रास्ते की जो है रास्ता पूरा चेक किया जा रहा है। सुकमा जिले में माना जाता है कि माओवादियों द्वारा कई जगह पर आईडी लगाए गए हैं और यहाँ पर पोलिंग पार्टी आज भले पहुँच चुकी हो, शाम में वो पोलिंग पार्टी वापस बेस कैंप आएगी और वहाँ से फिर वो सुकमा जिला मुख्यालय आएगी। तब तक का सफ़र काफ़ी चुनौती भरा रहेगा क्योंकि माओवादियों द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया गया है। बड़ा हमला माओवादी करने की तादाद में अपने प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल, CRPF, BSF, कोबरा बटालियन सभी डटे हुए। ये सुकमा से दोरनापाल जाने वाली सड़क है, आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ जवान है और कुल मिलाकर एक ऐसी युद्ध का वातावरण हमें बस्तर में आज देखने मिल रहा है। विशेषतः सुकमा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सभी जगह पर हमें जवान इस तरह सड़कों पर जंगलों में फैले हुए दिख रहे हैं। 1 लाख के करीब जवानों की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पर हमें अभी कुछ सस्पेक्टेड कुछ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जवान अभी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कुछ उन्हें ऐसा नज़र आया हो। लेकिन देखा जाए तो ये ऐसी परिस्थिति बस्तर में कई जगह पर है और उसी के हिसाब से जवानों को तैनात किया गया है। चुनाव सुरक्षित पार कराने की दिशा में जवानों का प्रयास चालू है। महेश तिवारी, नेटवर्क 18 के लिए सुकमा छत्तीसगढ़ से।